पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों छोड़ दिए थे, उन क्वेश्चंस को करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ा था, ठीक है, 7 से ही स्टार्ट करते हैं। फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या करेंगे बच्चों? किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसी एक को सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट किसको लेंगे? साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट ले लेते हैं और एक्स को क्या ले लेते हैं? सेकंड। सो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेट किसको करेंगे? एक्स को। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ठीक है यहां तक? दिस इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस, आपको बाहर लिख दें। अच्छा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कौन बताएगा? ये वाले जो सेकंड पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे तो बच्चे ऊपर नहीं जा सकता। देखो जरा ध्यान दो इधर, एक तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करो इस एक्स स्क्वायर को, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस हमें बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? इसमें वन ऐड करेंगे। ये देखो प्लस का वन है, वन ऐड हुआ है, ये प्लस का वन है ना। माइनस साइन तो एक्स स्क्वायर के साथ है, वन के साथ तो प्लस का साइन है। वन ऐड किया है, ऐड किया है तो बच्चों सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर से अलग डिवाइड करेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिखेंगे। ठीक है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिखेंगे dx। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब ये बताओ, यहां पर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो इसको लिखा जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ पावर, ऊपर हाफ पावर है और नीचे वन पावर है, हाफ पावर कैंसिल हो गई, सो न्यूमरेटर में हाफ पावर बचेगी। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या था? वन माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या था? वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वन पावर है वन माइनस एक्स स्क्वायर की और नीचे क्या है? हाफ पावर है, तो हाफ पावर डिनोमिनेटर से क्या हो गई? कैंसिल हो गई, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगी? हाफ पावर। और न्यूमरेटर में हाफ पावर है मतलब, हाफ पावर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। समझ आया? दिस माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है ये चीज? एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। प्लस था क्या बच्चों? इसको ठीक करो, यहां पर प्लस साइन था। अब बताओ जरा क्या कर सकते हैं?
कर सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वैसे वो फॉर्मूला अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा, ठीक है, बट हमें यहां चाहिए इसलिए पहले लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। क्या होता है ये? दिस इज एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, फिर ये टर्म एज इट इज होगी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? एक्स बाई टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब इस वन को देखो, इस वन को हम वन का स्क्वेयर लिख सकते हैं, सो ये वही वाला इंटीग्रेशन बन गया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए के जगह इसमें क्या है वन, तो इस पे अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम तो ये बनना चाहिए एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, फिर अंडर रूट के बाद एज इट इज, जो ये एक्सप्रेशन है ना यही यहां पर एज इट इज है, ठीक है, सो हम भी अपनी इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा प्लस में क्या है, ए स्क्वेयर बाई टू, तो हमारे इस क्वेश्चन में ए क्या है, हमारे क्वेश्चन में ए क्या है देखो जरा, हमारे क्वेश्चन में ए वन है, ठीक है, ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर बाई टू मतलब वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए हमारा वन है, एक्स अपॉन वन आएगा तो आप उसको बस एक्स ही लिख दो, ठीक है। देखो कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है, वहां पर आपको लग रहा होगा शायद, यहां तो जैसे ऐसा नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। माइनस, क्या कोई बच्चा मुझे इसका इंटीग्रेशन बता सकता है? वेरी गुड, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो जरा देखें इसको, एक्स स्क्वेयर बाई टू, एक्स स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा बच्चों एक तो मुझे ये बताओ, ये साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस का माइनस का वन साइन इनवर्स एक्स है और ये प्लस का हाफ साइन इनवर्स एक्स है, क्या बचेगा? माइनस का हाफ बचेगा भाई, ये माइनस का वन है, माइनस का वन है ना ये, और ये प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स बचेगा, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या हो गया, वन बाई टू प्लस वन बाई टू ब्रैकेट एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई टू, सॉरी माइनस वन बाई टू आना था ना, माइनस का हाफ बचेगा, समझ गए ना, ये प्लस का हाफ था माइनस का वन है, कंबाइन होके माइनस हाफ बचेगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दिस प्लस में सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस बच्चे ये हो गया एक्स बाई फोर, इस हाफ को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस, ये एक्स स्क्वेयर होना चाहिए जो मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ बाहर के ब्रैकेट के बाहर है, वो मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, देखो जरा यहां से। अब एक तो हमारे पास साइन इनवर्स वाली एक्सप्रेशन ये है, टर्म ये है, एक साइन इनवर्स वाली टर्म ये है, दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों को कंबाइन करेंगे तो बच्चों इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस वन बाई फोर और बाहर आएगा साइन इनवर्स एक्स, बाहर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसमें एलसीएम लो, फोर एक्स स्क्वेयर कहां पर प्लस है, यहां पर प्लस था भाई, प्लस करो इसको, प्लस
तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर इंटू क्या है इसके साथ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, बताओ क्या करेंगे। सेम वही पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट पार्ट रज्यूम करेंगे और एक्स को सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ठीक है, समझ आया ये। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा यहां पर, सेकेंड को इंटीग्रेट किया सो एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, माइनस का साइन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू और डीएक्स, क्या बन गया ये आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, हाफ को बाहर लिख लें तो अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, समझ आया। ठीक है, क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे बच्चों, इसमें वन ऐड कर दें और वन माइनस कर देते हैं तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर बाई टू एज इट इज टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस हाफ, यहां पर दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें क्या बना वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, समझ आए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये कट हो जाएगा वन बचेगा वन माइनस, यहां पर क्या बचा है वन प्लस एक्स, क्लियर है ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताओ जरा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, बताओ वन का इंटीग्रेशन बताओ एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन बताओ वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, क्या आ गया ये दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा ओपन करेंगे ब्रैकेट प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय टू, देखो इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लें और टेन इनवर्स कॉमन ले लें क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2। ठीक है, टेन इनवर्स बाहर आएगा, माइनस हाफ एक्स प्लस कर लिया आप लोगों ने। हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले अभी किया था, एक्स इंटू, वहां सेवेंथ क्वेश्चन में क्या था, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे चलना है आपको, वहां साइन इनवर्स था, जस्ट एक माइनस साइन का डिफरेंस क्रिएट होगा, आप उसी आंसर को लेके भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट आप उस क्वेश्चन में जहां साइन इनवर्स एक्स है वहां पर लिख दो पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बट हम तो पूरा करेंगे इसको। चलो हो जाओ स्टार्ट। आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, एक्स को सेकंड लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बताओ फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू, बताओ अब एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, तो माइनस माइनस, अच्छा इस माइनस को अंदर ही रखो, माइनस बाहर लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन बाई टू को बाहर लिखो, अंदर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर वन ऐड करेंगे वन माइनस करेंगे। ठीक है, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करें, ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इस वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड करेंगे, माइनस वन को अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंटू डीएक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ ऑफ, डिवाइड करो भाई इसको, क्या बचेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब जो पहले वाली टर्म है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें फिर से वही करेंगे कि यहां पर हम टू लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे टू, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई बताओ जरा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, हाँ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स बाई टू, पीछे अभी जो फॉर्मूला लिख के आए थे एक्स बाई टू फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि ए कितना हमारा वन, ए स्क्वायर बाई टू यानी कि वन बाई टू,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए का मतलब वन, सो एक्स बाई ए एक्स बाई वन माइनस इसका इंटीग्रेशन बताओ, बताओ इसका इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, हम साइन इनवर्स की टर्म में नहीं लिखेंगे इस बार, कॉस की टर्म में लिखेंगे, तो इसको हटा दो यहां पर आप, हाँ या माइनस कॉस इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर, जैसे ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसे देखो, मैंने पहले क्या लिखा था, माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, यही लिखा था। अगर मैं यहां लिखता हूं वन बाई टू और यहां इस इसको लिख देता हूं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या लिख देता हूं, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई फोर हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, जो पिछला फार्मूला लेके आया उसमें तो प्लस था ना, इसको प्लस करो, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या आया, माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। इस पाई बाय फोर को बाद में हम सी के साथ कंबाइन कर दें, सी के साथ कंबाइन कर दें और इसको एक नया कांस्टेंट लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये माइनस कॉस इनवर्स ये बन जाएगा, तो यहां पर आएगा माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, माइनस इसको क्या लिखोगे भाई, बताना जरा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि एक माइनस इसके इंटीग्रेशन में आएगा और एक माइनस पहले ही है, क्या हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर एक्स बाय टू वन बाय फोर, सीधा इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बाय फोर हो जाएगा, एक्स बाय फोर इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, अच्छा ये दोनों कंबाइन करके, ये दोनों कंबाइन करके क्या बचेगा भाई, प्लस का हाफ कॉस इनवर्स, ये दोनों कंबाइन करके क्या बचेगा, प्लस का हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और हाफ माइनस हाफ बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर प्लस हाफ बाहर माइनस हाफ, माइनस वन बाई फोर बन जाएगा, माइनस वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या है सी, ठीक है, देखो जरा, अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, फर्स्ट को लास्ट को कंबाइन कर दिया, इसको अलग से लिखो, तो आएगा माइनस एक्स बाय फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एलसीएम ले लें यहां पर, तो कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, समझ आया, बस एक ही इस कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस आया है, बाकी पिछला ही आंसर है, ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ कर लिया था ना हमने क्वेश्चन, इलेवेंथ भी कर लिया था, ट्वेल्थ
ट्वेल्थ हो गया था, थर्टींथ करना है, थर्टींथ करना है। देखो जरा थर्टींथ क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। बताओ जरा क्या करेंगे बच्चों। अब यहां कुछ नहीं है, इसके साथ में, इसके साथ में क्या लिख लेते हैं, वन। इसके साथ में कुछ नहीं है तो यहां, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, अकेले टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे लॉग एक्स पीछे भी आया था शायद, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके साथ में क्या लिख लेते हैं, वन। और फिर हमने लॉग एक्स को फर्स्ट ले लिया था और इसको वन को सेकेंड। इसी तरह से इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो यहां पर भी आप इनवर्स के साथ क्या लिख लेंगे, वन, वन मल्टीप्लाई में लिख देंगे। वन को हम ले लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को लेंगे फर्स्ट और वन को लेंगे सेकेंड फंक्शन। वन को क्या लेंगे, सेकेंड फंक्शन। चलो करो इस पे अप्लाई करो, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन वन एज इट इज, वन, नहीं 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 गलत कर रहा हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वन का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डीएक्स, दिस इज इक्वल टू क्या बना, एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो बच्चों ये क्या है, वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम पुट क्या कर लें, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लें, तो टू एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डी टी। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बताओ जरा, हाफ बाहर डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग टी, लॉग मोड टी, ठीक है, और बाहर क्या है, हाफ भी है। सो ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग मोड, हाफ लॉग मोड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, माइनस हाफ लॉग मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। ठीक है चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन को देखो जरा क्या है। 14th क्वेश्चन में I इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स कर लिया था ये, अच्छा पक्का कर लिया था, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। 15th किया था कि नहीं किया था, 15th नहीं किया था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्या है,
लॉग एक्स, बताओ जरा डीएक्स कैसे करेंगे, बताओ कौन बताएगा। लॉग एक्स को फर्स्ट ले लेते हैं अभी, ले लो लॉग एक्स को फर्स्ट और इसको सेकंड करो अप्लाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का हो गया एक्स, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वेयर प्लस, नहीं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, समझ आया, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू क्या है लॉग एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं, माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 1 ये बनेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू क्या है लॉग ऑफ एक्स माइनस, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, एक्स क्यूब बाई 3 करेंगे, ऑलरेडी 3 है 9 हो जाएगा, ठीक 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था 16th का, जो देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक फंक्शन देता हूं मैं आपको 1 बाई एक्स, फंक्शन देता हूं मैं आपको 1 बाई एक्स, ठीक है, एक फंक्शन दिया मैंने आपको 1 बाई एक्स, आप ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या हो गया भाई, मैंने कहा था ना जब इंटीग्रेशन शुरू होता है तो इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है और पिछला सारा हम भूल जाते हैं, प्रूव हो गया ना कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स, देखा ना कहा था ना, बोलो कहा था कि नहीं कहा था, माइनस टू अपॉन एक्स कि जब इंटीग्रेशन शुरू होगा तो इंटीग्रेशन तो आएगा ही नहीं और पीछे का सारा भूल जाओगे, माइनस वन अपॉन एक्स यहां से डेरिवेटिव शुरू होता है, ठीक है, और उसको भी तुमने कितनी देर में गलत वलत करके इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर माइनस वन, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन एक्स की पावर यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीग्रेशन का, आप ध्यान रखिए कि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, या इससे भी आसान क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और इसका एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, उस ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अब मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं और क्वेश्चन क्या है भाई, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या है क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब देखिए आप इसमें क्या है, साइन एक्स दिया है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया है, मतलब साइन एक्स तो फंक्शन हो गया और प्लस में क्या दिया हुआ है एफ डैश एक्स, समझे, मतलब कहने का यह है कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है,
सो तो मतलब कहने का ये क्वेश्चन ऐसा है हमारा, क्या लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है कि ई एक्स के इनटू में एफ एक्स भी दिया है और एफ डैश एक्स भी दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो जरा, ये नहीं है इस बोर्ड में, ये होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू, देखो मैं इसको दोनों को सेपरेट कर रहा हूं, ए टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और दोनों पे ना इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, यहां भी डीएक्स आएगा, दोनों पे इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स को फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लेते हैं, कैसे इंटीग्रेट होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो जरा, हाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बताओ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज, नहीं यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थोड़े होता है, यहां तो डेरिवेटिव होता है, हाँ तो लिखो कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस में इसको ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये एज इट इज, ये घूम के आया नहीं, अरे कट गए वाओ। ठीक है, इसको सेकंड वाले को हमने कुछ नहीं किया, सेकंड वाले को हमने छेड़ा भी नहीं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा भाई, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। यानी कि आप ये देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, e के ब्रैकेट में क्या था, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और आंसर क्या आया, साइन एक्स, यानी कि दिस, तो आंसर ये वाला आया है, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आया है, बोलो आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन हो, e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और ये जेई मेन्स का शॉर्टकट भी बन गया आपका, ठीक है, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, करेक्ट, सर ये तो सिर्फ e टू द पावर एक्स की है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, चलें फिर आगे देखो जरा। तो अभी एक क्वेश्चन दिया है 16th नंबर क्वेश्चन, वो तो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया कि e टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स, तो इसको आपको लिखना कैसे है, इसको बच्चों आपको लिखना है कैसे लिखना है बताओ जरा, कैसे लिखना है, एफ एक्स यहां पर क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, साइन एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करो तो आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स, बताओ क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, इंटीग्रल क्या हो जाएगा बोलो, क्वेश्चन हमारा कैसा बन गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस टाइप का बन गया, और ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, लेकिन यहां पर ना आपको ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ये वाली, जब भी ये अप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, 18 नंबर है क्या, टाइम क्या हो गया, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।